वेलकम टू तक्षशिला लॉ एकेडमी। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है आप सभी वकीलों के लिए। बेसिकली आज स्टूडेंट्स की बात नहीं करेंगे, एस्पायरेंट की बात नहीं करेंगे, आज सभी वकील जितने भी हमारे भाई और बहन हैं उनके बारे में बात करेंगे। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए न्यूज़ है ये। और ये जो पर्टिकुलर न्यूज़ है ये आपकी 23 दिसंबर की है। आज 24 दिसंबर है, ये 23 दिसंबर का है। और एक चीज़ पहले क्लियर कर दे रहे हैं कि ये बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का नोटिफिकेशन है। और ये भी कंफर्म है कि धीरे धीरे आपकी हर एक बार काउंसिल में, हर एक स्टेट की बार काउंसिल इस चीज़ को अडेप्ट करेगी। तो ये चीज बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये आपका बात करने वाला है रिगार्डिंग वेरिफिकेशन। जैसे आपने रिसेंटली भी पढ़ा होगा कि वेरिफिकेशन का काफी चल रहा था, यूपी में भी बहुत चल रहा था। 500 रुपये फीस रखी थी तो उसके पीछे क्लैशेस भी बहुत हुए थे, फिर कैंसिल हो गया था, फिर नोटिफिकेशन आया कि वेरिफिकेशन कराना है। तो काफी ज्यादा इस चीज को लेके चल रहा था। तो अब फाइनली एक हम लोग एक कह सकते हैं एक रेफरेंस ले सकते हैं जो भी किसी भी स्टेट के हो। ये इनफैक्ट अगर आप दिल्ली के भी हो तो दिल्ली में तो ये चीज़ करनी ही करनी है। तो इसको एलैबोरेटली समझेंगे कि बेसिकली ये क्या हुआ है। 23 दिसंबर है उसमें बेसिकली हुआ क्या क्या है। तो यहाँ पे ये आपको मिलेगा कहाँ से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी लोगों को ये चीज़ ढूंढने में मुश्किल हो रही है। तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल दिल्ली बार काउंसिल पे जाना है। जब आप दिल्ली बार काउंसिल पे जाओगे तो इस तरह कुछ आपको साइट खुल के आएगी। इस तरह की जब आपकी साइट ओपन होके आती है तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करके ये एक आता है इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर ऑनलाइन वेरिफिकेशन फॉर्म। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको एक इस तरह का खुल के आएगा, एक नोटिस आएगा निकल के। ठीक है, एक एक करके हर एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलैबोरेटली। यहाँ पे सबसे पहले लिखा है कि भाई जितने भी इनके नोटिस आए थे रिगार्डिंग दिल्ली है, यूपी में भी आए हैं, जितने भी इनके नोटिस आए थे विच वॉज डेटेड ऑन 21 नवंबर को इनका आया है, और उसके बाद 28 नवंबर 2023 को आया है, विच इज रिगार्डिंग द बार काउंसिल ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट एंड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस वेरिफिकेशन रूल 2015। उसमें आपका जो रूल नंबर 32 है उसको अमेंड कर दिया गया है, और अमेंडमेंट इसमें हुआ है 23/6/2023 को। प्रॉब्लम वॉज दैट कि भाई यहाँ पे जब आप वेरिफिकेशन फॉर्म फिल करते हो, कई सारे ऐसे एडवोकेट्स हैं जिन्होंने एलएलबी की पढ़ाई की, एनरोलमेंट करा लिया, लेकिन दे आर नॉट इनटू प्रैक्टिस नहीं है। सीओपी नंबर भी है उनके पास लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो जब वेरिफिकेशन की बात आई है तो उन्हें 5 ऑर्डर लगाने हैं, वकालतनामा लगाना है, उसके बाद ही आपका वेरिफिकेशन होगा। तो ये चीज कई सारी ग्रीवियंसेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास जब पहुंची तो उन्होंने इस चीज का कॉग्निजेंस लिया और उसके बाद रूल नंबर 32 को अमेंड किया। अब इस अमेंडमेंट में हुआ क्या है, तो यहाँ पे पहले अगर बात किया जाए तो जो क्राइटेरिया है, फॉर्मेट है, उसको क्लेरिफाई भी किया है और थोड़ी चीजें चेंज की है। सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने एडवोकेट्स की कैटेगरी को चेंज किया है। ठीक है, और वो किस तरह से किया है वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उन्होंने उन कैटेगरी में उन एडवोकेट्स को रखा है जिनका एनरोलमेंट ऑन और एंड बिफोर, या तो उनका एनरोलमेंट 31 दिसंबर 1989 को हुआ है या उससे पहले का हुआ है, यानी कि अभी वो काफी ज्यादा सीनियर एडवोकेट्स कह सकते हैं, काफी उम्र दराज हो चुके हैं। तो यहाँ पे या तो आपका जो भी ये वीडियो देख रहे हैं आप उन कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं जिसमें आपका एनरोलमेंट 31 दिसंबर 1989 से पहले का है या उस टाइम का है। तो यहाँ पे आपको जो डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना है दैट इज डिक्लेरेशन फॉर्म ए। आपको कौन सा डिक्लेरेशन फिल करना है, डिक्लेरेशन फॉर्म ए। ये तो पहली कैटेगरी हो गई। सेकेंड कैटेगरी की अगर हम बात करें, बी पॉइंट की बात करें, ये उन एडवोकेट्स की बात कर रहे हैं। इसमें एडवोकेट्स के साथ साथ आपके नोटरी पब्लिक भी आती है, ओथ कमिश्नर्स भी है डूइंग डॉक्यूमेंटेशन वर्क, जो भी लोग काम कर रहे हैं वर्किंग इन लॉ फर्म्स डूइंग टैक्सेशन वर्क डूइंग ड्राफ्टिंग वर्क, ये लोग भी आते हैं जिनका एनरोलमेंट, अब ये सेकेंड कैटेगरी के लोग हैं, ध्यान रखिएगा, अगर आपका एनरोलमेंट ऑन एंड आफ्टर 1st जनवरी 1990 या 31 10
2016 इसके बीच में अगर आप कहीं पे फॉल कर रहे हो, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, या तो आपका एनरोलमेंट 1 जनवरी 1990 में हुआ है, और किसके बीच में हुआ है, इन बिटवीन टिल इट इज 31 अक्टूबर 2016, तब आपको कौन सा फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पे दो चीजें आती हैं। देखिए, एक जो आपका बीसीडी है, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, वहां पे इलेक्शंस होते हैं। हर एक बार काउंसिल में, आपके स्टेट बार काउंसिल में इलेक्शंस होते हैं, तो आपका एक इलेक्टोरल रोल तैयार होता है। तो अगर एडवोकेट का नाम उस रोल में है, ठीक है, अगर एडवोकेट का नाम उस रोल में है, तो आपको कौन सा फॉर्म फिल करना है, दैट इज डिक्लेरेशन फॉर्म नंबर ए। ठीक है, आपका नाम उस रोल में है, इलेक्शन वाले में आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है, मेंशन है, शो हो रहा है, तो आप किस में फॉर्म फिल करेंगे, दैट इज फॉर्म ए। सेकेंड आते हैं, अगर आपका रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, हो सकता है आपने एनरोलमेंट करा लिया लेकिन उसके बाद आपने इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, वोट नहीं किया, इस तरह की अगर आप कैटेगरी में फॉल करते हैं, और आपका एनरोलमेंट किससे किसके बीच का है, दैट इज 31 जनवरी 1990, और यहाँ पे बेसिकली आपका लास्ट इलेक्शन प्रोसेस में आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है, बिकॉज ऑफ दैट रीजन आपका नाम रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, मेंशन नहीं हो रहा है, कहाँ पे, इलेक्टोरल रोल में ऑफ लास्ट बीसीडी, यानी कि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। उसी तरह से आपकी बीसीडी बीसीयूपी आ जाएगी, यानी कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, बार काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश, तो इस तरह से आपका स्टेट वाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे इस कैटेगरी के एडवोकेट्स को वेरिफिकेशन फॉर्म नंबर बी फिल करना है, ठीक है, और इसके साथ साथ वेरिफिकेशन फॉर्म बी तो फिल करना ही है, उसके साथ आपको 10th की जो सर्टिफिकेट है, 12th का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने किया है, LLB की डिग्री करनी है, और यहाँ पे आपको 5 सर्टिफाइड या सेल्फ अटेस्टेड कोर्ट ऑर्डर्स आप डाउनलोड करिए इंटरनेट से, आपको वो सबमिट करने हैं। उसके साथ साथ आपको वकालतनामा भी सबमिट करना है, जो कि आपकी 5 अपीयरेंसेस को शो कर रहा है। फिर से बता देते हैं, वो एडवोकेट्स जो इस टाइमलाइन में आ रहे हैं, 1 जनवरी 1990 से 31 अक्टूबर 2016, जिनका नाम बीसीडी, जिनका नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं है, उनको फॉर्म बी फिल करना है, और साथ में आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। अब नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है, दैट इज अ फ्रेश एडवोकेट जो आपके आ रहे हैं, तो यहाँ पे जिनका भी एनरोलमेंट, वो एडवोकेट्स, अब यहाँ पे उन एडवोकेट्स की बात हो रही है जिनका एनरोलमेंट 31 अक्टूबर 2016 से 31 दिसंबर 2018 में के बीच में हुआ है, तो आपको भी फॉर्म नंबर बी ही फिल करना है। ठीक है, कौन सा फॉर्म फिल करना है, फॉर्म बी फिल करना है, और यहाँ पे आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट देना है, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, LLB, और उसके साथ साथ 5 सर्टिफाइड या सेल्फ अटेस्टेड कोर्ट ऑर्डर्स की कॉपी आप डाउनलोड करिए इंटरनेट से, वकालतनामा दिखाना है 5 अपीयरेंसेस का। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, अब नेक्स्ट कैटेगरी बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट्स की है, यहाँ पे उन स्टूडेंट्स की बात की जा रही है, वो एडवोकेट्स जिनका एनरोलमेंट ऑन एंड आफ्टर 2019, 1 जनवरी 2019 को हुआ है या उसके बाद हुआ है, टिल डेट यानी कि 23 अभी तक के टाइम में, करंट की बात कर रहे हैं, अभी तक के टाइम में आपने किया है, और उसके साथ साथ आपने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन भी पास कर लिया है, तो दे आर रिक्वायर्ड टू अपलोड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, LLB डिग्री, एंड दे आर नॉट, अब यहाँ पे इन्होंने क्लियर बोल दिया है, इस
इन बच्चों को जिनका 1 जनवरी 2019 पे है, तो उनको किसी भी तरह के कोर्ट ऑर्डर्स अपलोड नहीं करने हैं, वकालतनामा अपलोड नहीं करना है, दे आर नॉट रिक्वायर्ड, आपको नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपकी सारी चीजें हैं। इसके साथ साथ एक नोट भी है, वो कह रहा है कि जो एडवोकेट्स जिनका नाम एक्सेप्ट हुज नेम वर रिफ्लेक्टेड इन द लास्ट इलेक्टोरल रोल ऑफ बीसीडी, यानी कि वो एडवोकेट जिनका नाम आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है, एक्सेप्ट उनको छोड़ दीजिए, और वो क्या है, नोटरी पब्लिक में है, या डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, ड्राफ्टिंग का काम कर रहे हैं, या ओथ कमिश्नर है, या वर्क कर रहे हैं किसी लॉ फर्म में, टैक्सेशन का काम कर रहे हैं, तो दे आर रिक्वायर्ड टू अपलोड अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेट्स एंड एक्सपीरियंसेस एज दे आर इन द एक्टिव प्रैक्टिस इन द पर्टिकुलर फील्ड। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज उन एडवोकेट्स के लिए जो कि सीनियर एडवोकेट्स हैं, और या वो क्या है, AOR है, यानी कि एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड है। तो यहाँ पे जो डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट्स होते हैं, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड है ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दे आर रिक्वायर्ड टू फिल फॉर्म ई ओनली, उन्हें कुछ और फिल नहीं करना है, ठीक। नेक्स्ट आता है कि जो लास्ट डेट है वेरिफिकेशन फॉर्म फिल करने की, वो है 31 मार्च 2024, और उसके साथ साथ जो आपके नोटिसेस आए थे 21 नवंबर 2023 को, 28 नवंबर 2023 को, रिगार्डिंग वेरिफिकेशन फॉर्म फिल करने का, जिन्होंने फिल कर दिया है उसमें, देखिए जिन्होंने फिल कर दिया है उनको दोबारा फिल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है, आप ये मान के चलिए कि अब आपको उस फॉर्मेट में नहीं करना है, अब आपको इस फॉर्मेट में करना है। आपको एक बार फॉर्म्स भी दिखा देते हैं कि फॉर्म ए किस तरह से है, फॉर्म बी किस तरह से है। तो ये आपके बेसिकली फॉर्म ए है, फॉर्म बी ज्यादा दिखाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपके फ्रेश स्टूडेंट्स को समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कि कहाँ पे कौन सी चीज लिखनी है। तो देखिए ये फॉर्म बी है, फॉर ये वाला जो आपका है कॉलम, ये आपको नहीं फिल करना है, फॉर यूज ऑफ ऑफिस ओनली। फिर आपका COP नंबर आपको यहाँ लिखना है, ईयर जो भी है आपका यहाँ लिखना है, यहाँ आपको अपना नाम लिखना है, सन ऑफ, वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ वो मेंशन करना है, रेजिडेंस आपका कहाँ पे है, पोस्टल क्या रहेगा, डेट यहाँ पे आपकी आएगी, कहाँ पे किस बार काउंसिल में आप एनरोल्ड हैं, एनरोलमेंट नंबर क्या है, डेट क्या है, नॉर्मल प्लेस ऑफ प्रैक्टिस आपका क्या है, फिर उसके साथ साथ ही इज एंटाइटल टू कास्ट हिज वोट फॉर द इलेक्शन ऑफ विच बार काउंसिल एट प्लेस क्या रहेगा, फिर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इज वैलिड फॉर द पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यूएंस, यहाँ पे आपको डेट लिखनी है और यहाँ पे आपको सिग्नेचर कराने हैं। तो ये आपको पर्टिकुलरली फॉर्म भी इस तरह से सबमिट करना है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फर्दर एग्जामिनेशंस।